नमस्कार एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए खबरें देखें विस्तार से। राज्यपाल राम नरेश यादव ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 96वीं जयंती पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल राम नरेश यादव ने अपने संदेश में कहा है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी अपने साहस और जनता में लोकप्रिय होने से प्रियदर्शनी और लौ महिला के नाम से प्रसिद्ध थी। राम नरेश यादव ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने राजनीतिक दृढ़ता और दूरदृष्टि से देश को विकासशील देशों की श्रेणी में स्थान दिलाया। उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए संघर्ष किया और देश में शांति, सद्भाव और सौहार्द बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक शक्तियों से मुकाबला किया। राज्यपाल राम नरेश यादव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजय मानिक राव खान विलकर को 24 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे राजभवन में शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के संबंध में राजभवन में उच्चाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव विनोद सेमवाल, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन के सुरेश, प्रमुख सचिव गृह आर के स्वाई, राजभवन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में 24 घंटे सातों दिन का कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम 24 घंटे लोगों को निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निराकरण के साथ निर्वाचन संबंधी जानकारी भी दे रहा है। कंट्रोल रूम में सीईओ कार्यालय के 3 अधिकारियों के अलावा अन्य कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। कंट्रोल रूम में 3 तहसीलदार की नियुक्ति की गई है। कंट्रोल रूम द्वारा सीईओ कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अलावा जिलों से प्राप्त होने वाले पत्र व्यवहार और उन पर की जाने वाली कार्रवाई आदि कार्य किए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के महानिदेशक अक्षय राउत ने 25 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक करने के लिए तैयार किए गए स्वीप प्लान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलेवार चर्चा की। महानिदेशक राउत ने कहा कि प्रदेश में स्वीप प्लान के जरिए पिछले 2 वर्ष से काम किया जा रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि आने वाले 6 दिन में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए सघन प्रयास किए जाएं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस के दिन मतदाता को मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा दी है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताओं के लिए होगी जिनकी फोटो मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ईएमएस टीवी न्यूज़। नमस्कार।